किसानों के लिए एक एफआईआर नहीं 10-10 एफआईआर हो कोई चिंता नहीं है, मैं जेल जाने में भी तैयार। हमारे साथ ये गुंडागिर्दी बंद नहीं की और ये रात में लाइट काटने का जो तरीका है ये बिल्कुल 9-10 बजे रात के मिस्त्रियों ने लाइट काटी है, ये कौन सा तरीका है। ग्राम रायपुरा और बांडीखेड़ा में बिजली विभाग के कर्मचारियों ने काटी लाइट। श्योपुर विधायक बाबू चंदेल ने कहा बिजली विभाग का घेराव करूंगा। आज 18 तारीख की रात में रायपुरा और बांडीखेड़ा ये रात में 9-10 बजे रात के मिस्त्रियों ने लाइट काटी है, ये कौन सा तरीका है रात में लाइट काटने का। क्या तो नोटिस दिया जाए, उसमें समय सीमा दिया जाए 8 रोज या 15 रोज, उसके बाद में कार्रवाई होती है। सीधी रात में बच्चा बच्ची पढ़ते हैं, अभी बीमारी का प्रकोप चल रहा है, डेंगू मलेरिया जुकाम सर्दी, मौसम चेंज हो रहा है, ऐसी समय में लाइट काटी जाती है। मेरी भारत जोड़ो पदयात्रा में चल रहा हूँ, अभी मेरी 150 किलोमीटर की यात्रा बाकी है। मैं बिजली वाले अधिकारी ACD इसको चेतावनी दे रहा हूँ, अगर ये हमारे साथ ये गुंडागिर्दी बंद नहीं की और ये रात में लाइट काटने का जो तरीका है ये बिल्कुल गुंडागिर्दी है, ये लोकतंत्र नहीं है, अंग्रेज से भी ज़्यादा अत्याचार है, तो मैं मेरी यात्रा बंद करके बिजली विभाग का घेराव करूँगा और बिजली विभाग में ताला डाल दूंगा। मैं जनता के लिए किसानों के लिए एक एफआईआर नहीं 10-10 एफआईआर हो कोई चिंता नहीं है, मैं जेल जाने में भी तैयार हूँ और अत्याचार नहीं होने दूंगा। क्षेत्र के लोग जो भाजपा के नेताओं से बात करते हैं तो वो कहते हैं कि हमारी बिजली कंपनी बेचती है, हमारा कोई पावर नहीं है न हमारी कोई सुनते हैं, तो अगर बिजली कंपनी बेच दी है कि सरकार ने इस्तीफा दे देना चाहिए शिवराज सिंह चौहान ने, तो किसानों की बच्चा बच्ची की रक्षा नहीं कर पाता।